हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नवरात्र का पांचवा दिन है। आज नवरात्र के फूड सीरीज़ के डे फाइव में हम आपसे एक साबूदाने के खीर की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग एक कटोरी साबूदाने को लिया है। अब हम इसमें पानी डालकर इसे एक बार वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने को वॉश कर लिया है। अब हम इसमें फिर से पानी को ऐड करके प्लेट से इसे ढककर एक से दो घंटे के लिए रख देंगे। जब तक ये फूल रही है तब तक हम दूध को गैस पर चढ़ा देंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 लीटर दूध को लिया है। तो अपने अकॉर्डिंग दूध को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर को ऐड किया है। ही मैंने कटे हुए बादाम को भी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे एक बार मिक्स करके धीमी आंच पे इसे पकने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ ग्रेट किए हुए नारियल को भी ऐड किया है। साथ ही मैंने यहाँ केसर के कुछ धागों को ऐड किया है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध को हम तब तक गाढ़ा करेंगे जब तक वो आधा ना हो जाए। तो आइए देखते हैं कि हमारी साबूदाना फूल चुकी है कि नहीं। हमारी साबूदाना बिल्कुल फूल चुकी है और यहाँ पे हमारा दूध भी गाढ़ा हो चुका है। फ्रेंड्स, दूध जब गाढ़ी हो जाए तब हम चीनी को ऐड करेंगे, क्योंकि यदि हम पहले ही चीनी को ऐड कर देते हैं तो दूध पकड़ने लगता है। इसलिए हम जब दूध गाढ़ा कर ले तभी चीनी को ऐड करें। मैंने यहाँ पे 5 चम्मच चीनी को ऐड किया है। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें फूले हुए साबूदाने को ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। तो देखिए गाइस, हमारी साबूदाना और भी बड़ी होने लगी है। साबूदाना दूध को अच्छी तरह से सोख रही है। इसे एक बार आप भी साबूदाने की खीर ऐसी ही बनाकर ट्राई करें। जब खीर अच्छी तरह से पक जाए तब हम इसमें किशमिश को ऐड करेंगे। फिर मैंने लगभग 1.5 चम्मच किशमिश को ऐड किया है। हम गैस पे 5 मिनट तक इसे पकने देंगे। 5 मिनट हो गया है। अब हमारी खीर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आइए गाइस, इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। अगर आप भी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।